नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से द फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास एम ऑन एन इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है uh, सवाल है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक हमारे ऑप्शन है एम जी थीटा प्लस एफ का थीटा एम जी थीटा माइनस एफ का थीटा एम जी को ऑससीटा माइनस एफ साइंथीटा या फिर एम जी को ऑस्सीटा प्लस एफ साइंथीटा ना सिंपल सा आपका एफ बी डी बनाने का सवाल है सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ, एक काम करते हैं आ, इसको इंक्लाइन प्लेन यहाँ बनाते हैं ठीक है सो ये मान लीजिए आपका इंक्लाइन प्लेन है जानबूझ के मैंने एंगल आपका छोटा लिया हुआ है और ये आपका ब्लॉक ऐसे रखा है ये आपका ब्लॉक है और आपने इस डायरेक्शन में इसको ऐसे फोर्स एफ दिया है ना इसकी अगर आप बात करेंगे ब्लॉक जो है उसका अगर एफ बनाएंगे तो एक तो सबसे पहले नीचे फोर्स लगा आपका एम इसके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन है ये आपका इंक्लाइन प्लेन जो है वो इस तरह से आ, थीटा एंगल पे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है तो ये आपका एंगल थीटा हो जाएगा ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये जो आपकी डायरेक्शन होएगी ये आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन है इसकी हमें वैल्यू बतानी है और ये वाला एंगल आपका थीठा होएगा इसकी वैल्यू बतानी है ना एम जी के अगर हम दो कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में ये वाला एंगल क्योंकि आपका थीठा है सो ये वाला एंगल आपका थीठा आएगा सो एम जी का ये जो कंपोनेंट आएगा दिस विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा और ये वाला जो आपका एम जी का कंपोनेंट होएगा uh, इसका कलर चेंज करते हैं जो सो so दैट आप कंफ्यूज ना हो इससे हाँ right. ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस सीटा सो एम जी के हमने दो कंपोनेंट कर लिए बिकॉज ये वाला एंगल आपका थीटा था हाँ सो एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा आ गया नाउ इस केस में आपने जो फोर्स लगाया है बॉडी के ऊपर उसको अगर हम हैड टू टेल ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन करें सो so ये आपका फोर्स एफ इधर हो गया नाओ इस केस में अगर आप एफ़ के फिर कंपोनेंट करेंगे तो ये एंगल आपका थीटा है सो so ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा नाउ इस केस में जो नॉर्मल आपका uh, होगा अगर है लेट्स uh, अज्यूम यहाँ पे फिगर शोर हॉज एक्टिंग ऑन ब्लॉज और लेट्स अज्यूम यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है दिया नहीं है सवाल में बट वी कैन अज्यूम सो इस केस में जो आपका नॉर्मल फोर्स होएगा वो इन दोनों के uh, बराबर होएगा सो so, आपकी जो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन साइंथिटा तो आपका इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंक्लाइन इक्विलिब्रियम होएगा तो एम जी को ऑस्सीटा और एम जी साइंथीटा यहाँ पे बराबर हो जाएंगे हैंस आपका ऑप्शन नंबर फोर एम जी को ऑस्सीटा प्लस एफ साइनतीटा वुड बी द राइट आंसर